ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନକ ଭବନରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କନକ ଭବନର ଇଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର। ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପରିବେଶ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ରାମମୟ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ସବୁଠି ରାମଙ୍କ କଥା ଗାଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରାହଉଛି, ଚର୍ଚ୍ଚା କରାହଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ମାଝି, ଆପ ପହଲି ବାର ଆଏ ୟା ବହୁତ ବାର ଆ ଚୁକେ ହେଁ କ୍ୟା? ମୈଁ ପହଲି ବାର ଆଇ ଆଉ ମୁଝେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲାଗା। ମୋଦି ଯୋଗୀ ଜୀ ନେ ଅଯୋଧ୍ୟା କି କାୟା ପଲଟ କର ଦି। कहाँ से आए हैं आप? बुलंद शहर, साठा मोहल्ला, दया शर्मा, यूपी से। और कितने लोग हैं साथ में? दो बस आई है, काफी लोग हैं। काफी लोग अपन देखते हुए पूरा टीम तक सहित अच्छा, समस्ते काफी उत्साहित अच्छा, खुशी अच्छा। माजी आप क्या बोलना चाहेंगे, कितने खुश लग रहे हैं आके? हमें बहुत ही खुशी हो रही है। मैं इस बार दूसरी बार आई हूँ, लेकिन 5 साल पहले आई थी, इतना विकास नहीं था। अच्छा। जो अब आई हूँ, अब काफी अच्छा देखने को मिला और मंदिर देख के रामलला तो बहुत ही खुशी हुई। मैं चाहती हूँ भगवान 24 में भी मोदी आए, सनातन धर्म को बचाएं। अगर वो नहीं आए तो सनातन धर्म नहीं बच सकता। मेरा यही है, सबसे सनातन धर्म से योगी और मोदी दोनों ही आवे, तभी यूपी और पूरे भारत को बचा सकते हैं। जय श्री राम। सर आप कितना उत्साहित है, 22 तारीख को रामलला की प्रतिष्ठा होगी, उनको दर्शन करने के लिए? जय श्री राम। हम लोग सभी लोग बहुत उत्साहित है और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसी भगवान ने चाहा तो ऐसी करते रहेंगे वो। आपने कहाँ कहाँ घूमे सर, कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या देखे अभी तक? मैंने बहुत कुछ देखा, कनक मंदिर तो घूम ही चुके और क्या बोलते हैं हनुमान वाटिका घूम, सॉरी हनुमान घूम चुके, हनुमान क्या था गढ़ी, और कई जगह घूम चुके हैं हम लोग, लेकिन बहुत सुंदर लगा। अब मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि पहले 5 साल पहले आया था, यहाँ कुछ विकास नहीं था। आज की गवर्नमेंट, आज के नेता और हमारे योगी मोदी और अमित शाह का ये सहयोग, और सब सनातनियों से एक कहूंगा कि जातिवाद को छोड़कर आप एक हो जाओ। अगर अगर जुट जाओगे तो दृढ़ हो जाओगे, अगर बट जाओगे तो कट जाओगे। आप सर क्या बोलना चाहेंगे इस मौके पर? अब बोलना क्या है, ये जो कुछ हो रहा है यहाँ पे बहुत बढ़िया हो रहा है और ये राम मंदिर बन रहा है तो ये हमारा गर्व से सर हमारा ऊंचा हो रहा है, सीना चौड़ा हो रहा है और आनंद ही आनंद है। वैसे हम तो हर साल ही आते हैं ये ग्रुप लेकर के, तो आए हैं और सब ये दर्शन मेला कर रहे हैं। हाँ, 500 साल का लड़ाई, 500 साल का संघर्ष खत्म हो रहा है। हाँ, खत्म हो रहा है, ये हजारों साल की समस्या हद के हद खत्म हो रही है और मैं तो चाहता हूँ कि ये जो है आगे और सब विकास हो, इस बारे में सब सनातन का विकास हो और भी विकास हो चाहते हैं। सर आप क्या बोलना चाहेंगे, कैसे घूमे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या नया डेवलपमेंट है? काफी डेवलपमेंट हो रहा है और अच्छा लगा। हम लोग तो छत्तीसगढ़ से आ रखे हैं इस खाली दर्शन करने के लिए। छत्तीसगढ़ फर्स्ट टाइम पहली बार आए हैं। आप एक युवा के नाते क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या क्या देखे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है? 22 तारीख के बाद यहाँ पे काफी सारी टूरिज्म और भी बढ़ सकता है, जैसे कि पहले 2014 के पहले और इस टाइम बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, यहाँ पे जितनी 2014 के पहले स्थिति थी, आज के डेट में बहुत सारे परिवर्तन हुए हुए हैं और अभी राम मंदिर, हम राम जन्मभूमि टहल के आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। भगवान राम कहाँ से कहाँ आ गए, बहुत खुशी हो रही है। कहाँ से हैं सर आप? बस्ती से ही हैं। अच्छा। हाँ, पास के जिला से। तो आप नजदीक से देखे होंगे अयोध्या का विकास? हाँ, बहुत हम बराबर आना जाना रहता है हम लोग का, बहुत बहुत परिवर्तन हमने देखा है। मैडम आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आना चाहता है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे सब व्यवस्थित देख रहे हैं? मैं तो इधर ज्यादा आती नहीं, मेरा तो दूसरा बार है इधर आना, बट मैंने जो देखा है बहुत सारे चेंजिंग हुए हैं अयोध्या में। पहले जब फर्स्ट टाइम हम आए थे इतना चेंजिंग नहीं हुआ था। इधर राम मंदिर जो बन रहा है वो काफी सुंदर और भव्य है, तो वो बहुत अच्छा लगा देख के। पहले आए थे या फर्स्ट टाइम? ये मैं सेकेंड टाइम आ रही हूँ। जब मैं आई थी तब इतना डेवलप नहीं हुआ था, मतलब बहुत टेंट में दर्शन किए, मतलब फिर जब मंदिर बन जाएगा फिर अपेक्षा रहेगा आने के लिए? हाँ बिल्कुल रहेगा आने का। अयोध्या इज अ ग्रेट इन द वर्ल्ड। समस्तंकर उत्साह रोची, समस्तंकर उत्साह रोची। सर आप क्या कहना चाहेंगे? भैया मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जिला बुलंदशहर यूपी से हूँ
और मैं आज से 5 साल पहले जो आया हूँ, जब से आज तक जो है बहुत परिवर्तन है, और आज देख करके मेरी आंखें नम हो रही हैं कि इतना चमत्कार मैं नहीं देख पाऊंगा जीवन में। और मैं कार सेवक रहा था, और आज जो है मैं मंदिर जो है देख रहा हूँ बनता हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। और नहीं तो मैंने जीवन में सोच ली थी कि मैं मंदिर नहीं देख पाऊंगा बनता हुआ। मुझे धन्यवाद देना चाहिए इस सरकार के लिए और सबके लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी और योगी के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान उन्हें लंबी आयु दे, और देश का जो है दिनों दिन वो प्रगति करने में अपना योगदान देते रहे। यही हमारे, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि विश्व की जो धरोहर हमें पहली बार मिली है, वो तो बहुत अच्छा लग रहा है, और हम तो तरोतार हो गए। और आपका भी धन्यवाद। निश्चित भाव कर सेवकर कथा आपण शुणुले समस्त आशा विश्वास रही। निश्चित भाव ये जो विकास बर्तमान हो आहरी वृद्धि हे। अयोध्या श्री राम को लेकिन चर्चा आलोचना आप देखुले कमी आखिरे लुह आसी जाता से निजे कर सेवक रही आंदोलन में निजक सामिल करते मंदिर हो तेज निश्चित भाव से निजक रोक पार ना। कनक भवन परिसर कैमरा पर्सन आदित्य सहित अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।